हेलो फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक है सेल सेल के स्टडी को साइटोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी द सेल वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड एंड नेम्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665 इन्होंने सेल को सबसे पहली बार देखा था और उसको नाम दिया वो है रॉबर्ट हुक वो एक डेड सेल था एंटोन वॉन लिवन हॉक डिस्कवर्ड द फर्स्ट लिविंग सेल जिसने फर्स्ट लिविंग सेल को डिस्कवर किया वो है एंटोन बोन लिवेनहॉक द बॉटनिस्ट एस्क्डन एंड द जोलॉजिस्ट स्वान फर्स्ट गेव द सेल थ्योरी पड़किनजे नेम्ड द लिविंग मैटर ऑफ द सेल एज प्रोटोप्लाज्म सेल में जो लिविंग पार्ट होता है उसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं नाउ स्मॉलेस्ट सेल वर्ल्ड का जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल है वो है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट सेल एंड द लार्जेस्ट सेल है ऑस्ट्रिच का एग द लार्जेस्ट सेल इज एन एग से लॉन्गेस्ट सेल इज द नर्व सेल ब्रेन का जो नर्व सेल होता है वो लॉन्गेस्ट सेल में आता है नाउ एवरी लिविंग ऑर्गेनिज में स्टार्ट इट्स लाइफ विथ अ सेल हर लाइफ एक सेल से स्टार्ट होता है If it continues its life as such, it is called an unicellular organism. agar single cell se hi life start hoti hai to usko unicellular organism kehte hain Example bacteria, amoeba। But जब ये cell divide करता है, तो multicellular organisms produced होते हैं। और multicellular organisms एक से अधिक cells के बने होते हैं। इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गे दिस सेल डिवाइड्स एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेड्यूस्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेम्स आर कम्पोस्ट ऑफ मेनी सेल्स एग्जाम्पल्स आर फंगी हायर प्लांट्स एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स ऑल्सो प्रोटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म सेल का लिविंग पार्ट होता है जिसमें सेलुलर ऑर्गेनज होते हैं लाइक माइटोकॉन्ट्रिया क्लोरोप्लास्ट न्यूक्लियस द सेल इज मेड अप ऑफ एन इसली लिविंग सबस्टांस द प्रोटोप्लाज्म इन प्लांट्स द प्रोटोप्लाज्म इज इनक्लोज बाई अ सेल वॉल प्लांट्स में प्रोटोप्लाज सेल वॉल से इनक्लोज होता है बट इन एनिमल्स दिस सेल वॉल इज एब्सेंट एनिमल्स में सेल वॉल एब्सेंट होते हैं प्रोटोप्लाज्म हैज टू मेन पार्ट्स द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस प्रोटोप्लाज्मा के टू मेन पार्ट्स है साइटोप्लाज्मा एंड न्यूक्लियस न्यूक्लियस के अराउंड जो लिक्विड फ्लूड होता है वो साइटोप्लाज्म है जो सेल वॉल से घिरा होता है साइटोप्लाज्म इज दैट पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म विच द न्यूक्लियस एंड इट्स सेल्फ सराउंडेड बाई अ डेड सेल वॉल। नाउ न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बारे में फर्स्ट टाइम जिसने बताया वो है रॉबर्ट ब्राउन

न्यूक्लियस के फोर मेन कंपोनेंट्स होते हैं द फोर मेन कंपोनेंट्स ऑफ अ न्यूक्लियस आर फर्स्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर इन्वेलप सेकेंड न्यूक्लियो थर्ड क्रोमैटिन थ्रेड्स एंड फोर्थ न्यूक्लियोलस